चोर ना ही किसी की गरीबी देखता है और ना ही किसी के ऊपर रहम खाता है, वो तो सिर्फ अपने चोरी को अंजाम देने की कोशिश करता है। ये चोर चोरी तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी हरकत सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ऐसे कुछ शातिर चोरों के वीडियोस जिनके कारनामे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके अपने फैक्ट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चाचा पहले तो दुकान के काउंटर पर दस्तक देते हैं, तभी दुकान के काउंटर पर कोई मौजूद न होने का फायदा ये चाचा बखूबी उठाते हैं और वहाँ पर काउंटर पे चार्जिंग पर रखा मोबाइल लंपास कर लेते हैं। जुलाई 2020 में हुई ये चोरी देखकर आप सच में ही हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर एक इंसान कुछ कीमती सामान के साथ कार से चल रहा होता है, तभी चोरों के गैंग के कुछ मेंबर्स की इस आदमी पर नज़र होती है और चोरों के गैंग के दो आदमी स्कूटर पर सवार कार में बैठे आदमी का एक एक कर ध्यान भटकाते कि कार के अगले हिस्से में कुछ गड़बड़ी है। तभी कार में बैठा आदमी बाहर निकल कर जाँच करता है और एक बार फिर से इन्हीं चोरों के गैंग में से दो बाइक सवार इस आदमी से रास्ता पूछते हैं और तभी एक बदमाश चोर कार के पिछले दरवाजे के पास आता है और कार के पीछे के सीट पर रखा कीमती सामान लेकर फरार होता है। इस वीडियो क्लिप में भी आप देख सकते हैं कैसे एक आदमी कार पार्क करके अपने किसी निजी काम के लिए निकलता है, तभी एक शातिर चोर पिछला दरवाजा खोलकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार होता है। 21 जुलाई 2021 में एक दुकान में दोपहर के 11:45 के दरमियान तीन महिला और दो बच्चों के साथ एक चोरों का गैंग दुकान में दाखिल होता है और दुकानदार के मना करने पर भी ये गैंग अंदर घुस ही जाता है और इस लेडी चोर गैंग के कुछ मेंबर दुकानदार का ध्यान भटकाते हैं। इस गैंग में से एक छोटी लड़की ड्रावर में रखी कैश लंपस कर लेती है। अगर आप अपनी बाइक किसी अनजान जगह पार्क करते हो तो अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि शातिर चोर आपके आसपास भी हो सकते हैं जो आपकी बाइक कब उड़ा ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बदमाश चोर पहले तो बाइक के पास आता है और बाइक का हैंडल लॉक है कि नहीं इसकी जांच करता है और अपने जेब में से मास्टर की निकाल कर बाइक में लगा बाइक लेकर फरार होता है। यहाँ पर भी तीन बाइक सवार चोर एक बुलेट को चोरी कर गायब हो जाते हैं। इन लोगों को देखकर आपको यही लग रहा होगा कि ये दुकान के सामने खड़े होकर बस या ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। ये चोरों की टीम दुकान में शटर तोड़कर चोरी करने के फिराक में है। देखिए, इस टीम के कुछ मेंबर आगे कपड़ा फैलाते हैं और कपड़े के पीछे बाकी के लोग शटर का लॉक तोड़ते हैं और एक तो साइड से छतरी ओपन करके खड़ा है कि पीछे क्या चल रहा है लोगों को दिखे ही ना। शटर का लॉक तोड़कर कुछ चोर दुकान के अंदर चले जाते हैं और बाहर खड़े चोर बाहरी लोगों पर ध्यान रखते हैं। ये चोर दुकान में रखा कैश और कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ चोर चोरी करने के लिए इंसानियत तक को भूल जाते हैं। 17 सितंबर 2019 के इस वीडियो क्लिप को आप देख सकते हो कि रात के 1 से 2 बजे के बीच के वक्त में एक चोर बच्चा चोरी करने के लिए घर के बाहर सोई दो औरतों के पास साइकिल लेकर आता है और एक औरत के पास सोए छोटे से बच्चे को उठाकर साइकिल में डालता है। तभी साइड में सोई एक औरत की हड़बड़ाहट से नींद जग जाती है और ये साइकिल से बच्चा उठाकर अपने पास ले लेती है। दोस्तों, माँ तो आखिर माँ ही होती है, प्लीज़ एक लाइक माँ के लिए तो बनता है। आजकल कब किसी की नीयत बदल जाए कह नहीं सकते। रास्ते से चलते हुए अगर लोगों की नज़र किसी चीज़ पर पड़ जाए तो लोग उसे भी चोरी कर लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। कैसा एक लड़का रास्ते से चल रहा होता है, तभी एक घर के सामने साइकिल खड़ी देख इस लड़के का साइकिल चोरी करने का मन करता है और ये लड़का घर के सामने के गेट का लॉक धीरे से खोलता है और साइकिल को ऐसे गायब करता है कि जैसे अपने बाप का माल हो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कुछ चोर सच में ही शातिर होते हैं, जो हमारे आसपास ही चोरी को अंजाम देते हैं, फिर भी हमें भनक तक नहीं लगती। इस कपड़े के दुकान में दो चोर टॉवल लेने के बहाने से दुकान में दाखिल होते हैं और अलग अलग टॉवल दिखाने का बहाना बनाकर
दुकान में मौजूद बुजुर्ग मालिक का ध्यान भटकाते हैं और एक चोर हाथ में टॉवेल रखकर बुजुर्ग आदमी का आगे का सीन ब्लॉक करता है और दूसरे हाथ से ड्रॉअर में रखा कैश लंपास करता है। बड़े हेवी चोरों भैया। दोस्तों, आजकल गैस सिलेंडर भी चोरों का एक प्राइम टारगेट होता है, जहां चोर खड़े खड़े गैस सिलेंडर को गायब कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मार्च 2015 में दिल्ली का हाई सिक्योरिटी इलाका कहे जाने वाले लूट जोन में एक चोर ने झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके धीरज प्रसाद साहू के घर से ही रसोई में रखा सिलेंडर चोरी कर लिया। इस चोर को लगा चोरी को कोई देख नहीं रहा, लेकिन इसे कौन बताए कैमरा में सब रिकॉर्ड होता है। इतनी हाई सिक्योरिटी इलाकों में भी ऐसी चोरियां होती है। इस पाकिस्तानी पर भी नजर मारी है। अगर महिलाएं इस वीडियो को देख रही है और आप भी ट्रेन से सफर करते हो तो अभी सतर्क हो जाइए, क्योंकि ट्रेन में सफर के दौरान चोर आपकी सीट पर भी बैठा हो सकता है, जो आपकी मेहनत के पैसों की कदर बिल्कुल भी नहीं करेगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। एक महिला मस्त ट्रेन की सीट पर घोड़े बेच कर सोई हुई है, तभी पास में बैठी एक महिला इस सोई हुई आंटी जी के पर्स से हाथ साफ कर लेती है, लेकिन इस महिला चोर की हरकत ऊपर की सीट पर बैठा एक जनाब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। तो जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे, अपनी चीज़ों का ध्यान बड़ी सावधानी से रखिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे नई शानदार वीडियो में।